right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बाल विकास प्रश्नोत्तरी पार्ट 3। इसमें हम बात करेंगे बाल विकास, ठीक है, और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यह एक सीरीज चल रही है और इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। दोस्तों देखो, यह समय जो है बहुत सही समय है पढ़ाई कराने का, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, घर पर बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी और भी मैं अभी जीएस की सीरीज़ भी यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिससे आपका रिवीजन होगा, ठीक है। आप टच में रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस बाल विकास को। और ये 91 से स्टार्ट होगी। इससे पहले की 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को कर लीजिए एक्टिवेट, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहला प्रश्न इसका है 91। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे वुड, जेम्स, डेली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जेम्स। दूसरा है, आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी वुड, जेम्स, थॉर्नडाइक या टिचनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वुड ने। अगला है 93। मनोविज्ञान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया, किस मनोविज्ञानिक द्वारा लिखा गया, थॉर्नडाइक, जेम्स, डेवी, ये डेवी है, डेवी या इनमें से कोई नहीं। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा बी, जेम्स द्वारा। अगला है 94। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है, जेम्स, वुंड, थॉर्नडाइक या डेवी। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा वुंड। अगला है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी, वुड, जेम्स, पावलोव या थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वुड। 96 है, गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है, ए, सीखना, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण या व्यक्तित्व विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का सी, प्रत्यक्षीकरण, गेस्टाल्ट। 97, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल फर्स्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है, 97, ए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, बी, संज्ञात्मक, सी, कार्यवादी या डी, मानव परंकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का ए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को, फर्स्ट फोर्स, ठीक है, प्रथम बल। निम्नलिखित में से किसे दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है, ठीक है, 98, ए, द्वितीय बल, तृतीय बल, चतुर्थ बल या पांचों बल। 98 का सही आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय बल, यानी कि व्यवहारवाद को हम द्वितीय बल के नाम से भी जानते हैं। मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है, 99, संज्ञात्मकता, सामाजिक, मानवीयता परक या ये सभी। तो 99 का है सी, मानवीयता परक। अगला है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी, ए, बम्बई में, बी, दिल्ली में, सी, कलकत्ता में, डी, मद्रास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता में। 101, निम्न में से किसने भारत में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, ए, एन सेन गुप्ता, बी एस बोस, ए एन चटर्जी या बी एन बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एन सेन गुप्ता ने। 102, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है, एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या द्विशक्ति सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बहुशक्ति सिद्धांत। 103 है, स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है, ठीक है, एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या द्विशक्ति सिद्धांत। तो 103 का हो जाएगा डी, द्विशक्ति सिद्धांत।
किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104 का ए, 14 वर्ष। ठीक है, 105 है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शरीर स्वास्थ्य की पूरा पूरा ध्यान रखें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है 106। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है 1000 शब्द, 6000 शब्द, 11000 शब्द या 16000 शब्द? तो 106 का है बी, 6000 शब्द। जब तो 7 वर्ष की आयु का रहता है कोई बालक तो उसका शब्द भंडार 6000 शब्द वो सीख लेता है। 107। विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के शरीर, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, या बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, या बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, या सभी पर प्रभाव पड़ता है? तो 107 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, चारित्रिक पर भी, मानसिक पर भी, सामाजिक पर भी, सांस्कृतिक पर भी, व्यावसायिक पर भी और राजनीतिक पर भी, इन सभी पर जो होता है विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। बालक के समाजीकरण पर कौन से तत्व बाधक हैं? माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड या अथवा असुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली है इसका भी क्या होगा डी। ठीक है, कि सामाजिकरण पर कौन से तत्व बाधक होते हैं। 109। छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? एक कठोर प्रशासन के गुण, एक योग्य अध्यापक के गुण, एक राजनेता के गुण या एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक योग्य अध्यापक के गुण होने चाहिए। ठीक है, 110 है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? स्नेह, क्रोध, भय, ईर्ष्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली भय। ठीक है ना, तो भय क्या करता है? असक्षमता और असुरक्षा उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगला है 111। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्या, काम और संवेगात्मक समस्या या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 112। एक सामान्य बुद्धि बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, कब वो सीखते हैं? 11 माह में सीखते हैं या 16 माह में सीखते हैं या 34 माह में सीखते हैं या 51 माह में सीखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 11 माह में। ठीक है, अगला है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, डेविस का, स्किनर का, वी एन झा का या वुडवर्थ का? सही आंसर हो जाएगा बी, स्किनर। 114 है, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा भय, क्रोध व स्नेह। अगला है 115। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया था? ए 12 से 18 वर्ष, बी 13 से 19 वर्ष, सी 11 से 17 वर्ष, डी 12 से 19 वर्ष? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 12 से 18 वर्ष। ठीक है, विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल है। ठीक है, 116। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का या प्रत्यागमन का? तो 116 का सही आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यागमन का। 117। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? ए 4 से 5 मास का शिशु, बी 8 से 9 मास का शिशु, सी 5 से 7 मास का शिशु और डी 3 मास का शिशु? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 4 से 5 मास का शिशु। 118। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता
को प्राप्त होता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? ए शैशवावस्था, बी युवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी किशोरावस्था। ठीक है। 119। निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या विकासात्मक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अंतर्दर्शन विधि। अगला है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षा में के क्षेत्र में योगदान क्या है मनोविज्ञान का, कि अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई, इसलिए शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, इसलिए शिक्षक के छात्रों को आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है या उपयुक्त सभी। तो 120 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यह होती बाल विकास की थर्ड जो वीडियो मैं यहाँ पर पेश की थी, अगली भी इसको हम जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाल विकास को इस वीडियो से आपको बाल विकास को समझने में आसानी होगी, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये जो प्रश्न हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मन से बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको समझने में सहायक होंगे, किस प्रकार से पैडागोगी और चाइल्ड डेवलपमेंट आ सकती है आपके डीलेट में या सीटेट, यूटेट, जो भी आप टीईटी वगैरह करना चाहते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।